हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। आज के वीडियो में मैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के सबसे कम प्राइस वाले प्लान के बारे में बताऊंगा और साथ में इस प्लान का स्पीड टेस्ट भी दिखाऊंगा उसके राउटर रिव्यू के साथ। शुरू करते हैं वीडियो एयरटेल के सबसे सस्ते प्लान से। प्रीपेड 499 वाले प्लान के कंज्यूमर्स के लिए 6 महीने और 12 महीने की प्लान्स पर 15% की छूट होगी, जबकि कुछ नगरों के पोस्टपेड कंज्यूमर्स को ही यह ऑफर मिलेगा। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान हर महीने 3,333 GB की लिमिट के साथ अवेलेबल है। इस FUP यानी फेयर यूसेज पॉलिसी डेटा का यूज़ करने के बाद कंज्यूमर के लिए स्पीड लिमिट 1 MBPS पर गिर जाती है। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर से न्यू कनेक्शन बुक करने के लिए आपको वेबसाइट या एयरटेल थैंक्स ऐप पर जाना चाहिए। आप अपने नज़दीकी एयरटेल स्टोर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या केवल कंपनी के कंज्यूमर सर्विस टीम से हेल्प के लिए जुड़ सकते हैं। बेसिक प्लान, इसमें अनलिमिटेड इंटरनेट है अप टू 40 MBPS स्पीड, अनलिमिटेड लोकल स्टीरी कॉल्स और एयरटेल थैंक्स बेनिफिट में आपको मिल जाएगा एक्सट्रीम प्रीमियम अपोलो फास्टैग विंक और इसका मंथली रेंटल है 499 रुपये। तो अब हम अपने मोबाइल में एयरटेल वाईफाई कनेक्शन की स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, एयरटेल वाईफाई इंटरनेट की स्पीड चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे गूगल पे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्पीड टेस्ट, उसके बाद आपको स्पीड टेस्ट बाय ऊकला पे क्लिक करना है, फिर गो पे क्लिक करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डाउनलोडिंग स्पीड दिखाते हैं। डाउनलोडिंग स्पीड इसमें मोबाइल में काफ़ी अच्छी आ रही है, 279.31 MBPS। और अब इस प्लान के साथ जो राउटर मिला है उसका रिव्यू, और ये है नोकिया का वाईफाई राउटर। तो एयरटेल वाले अलग अलग कंपनीज के राउटर प्रोवाइड करते रहते हैं, जैसे पहले हुआई का था, अब नोकिया का है, एक और था शायद ROHS का, ड्रैगन पाथ। तो इसके फीचर्स को हम एक बारी देख लेते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल है। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं दो एंटेनास लगे हैं इसमें, तो एंटेनास की मदद से रेंज काफ़ी दूर दूर तक जाती है पूरे घर में, तो ये बेनिफिट होता है एंटेनास का। तो इसको हम इस तरीके से स्टैंड बना हुआ है वॉल में भी माउंट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से किसी सरफेस पे रख सकते हैं स्टैंड करके। तो इसके बैक साइड में पहले हम देख लेते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है ब्रांडिंग हो रखी है नोकिया, असेंबल्ड इन वियतनाम, वियतनाम में असेंबल्ड हुआ है ये। क्लास 1 लेज़र प्रोडक्ट, डेंजर इनविजिबल लेज़र रेडिएशन व्हेन ओपन, ओके। और ये है फिर अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू बीम। और यहाँ पे इसके मैन्युफैक्चर डेट ईयर मेंशन कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे इसके फाइबर की कनेक्शन हो रखी है, तो यहाँ पे USB का ऑप्शन है, USB पोर्ट बना हुआ है। तो USB पोर्ट की मदद से हम जैसे हम अपना पेन ड्राइव इसमें हम अटैच करते हैं, उसमें गाने हों या सॉन्ग्स हों या कोई भी फाइल्स हो, वो जिस डिवाइस से कनेक्टेड है PC लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन से, तो जो डेटा पेन ड्राइव में आप यहाँ पे अटैच करेंगे वो डेटा वहाँ डिवाइस कनेक्टेड डिवाइस में शो होगा। तो ये बेनिफिट होता है USB का, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये TEL 1 लिखा हुआ है तो टेलीफोन के लिए है। यहाँ पे टेलीफोन का वायर, लैंडलाइन आप लगवाना चाहते हैं तो लैंडलाइन के लिए वायर लगा देंगे यहाँ पे और लैंडलाइन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। TEL 2 के लिए लेकिन यहाँ पे पैक्ड है, तो यहाँ पे ओपन नहीं किया हुआ है, बंद है ये। ये 4 पोर्ट्स हो गए, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4। तो लोकल एरिया नेटवर्क LAN का मतलब हुआ, अगर LAN वायर आप यूज़ करेंगे अपने PC में या लैपटॉप में इंटरनेट यूज़ करने के लिए, तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद है पावर कॉर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे पावर ऑन रहता है ये हमेशा। उसके बाद है WPS, तो WPS का बटन यहाँ पे दे रखा है, तो WPS का मतलब हो गया वाईफाई प्रोटेक्टेड सर्विसेज। तो राउटर में WPS बटन ऑन करने से जो भी डिवाइस इसके आसपास होगा वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा इस राउटर से, इसके नेटवर्क से, तो इसमें कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि आस पड़ोस के डिवाइस भी अगर इस राउटर के रेंज में आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि सही नहीं होता। उसके बाद है WLAN का बटन, तो WLAN का मतलब हुआ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये एक वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है दो और दो से ज़्यादा डिवाइसेस के लिए। तो WLAN यूज़ करता है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, WLAN यूज़र्स को अलाउ करता है मूव करने में अपने कवरेज एरिया में, जैसे कि घर पे या स्मॉल ऑफिसेस में अगर आसपास आप घूमते हैं, WLAN का फ़ायदा वहाँ होता है, आप मूव कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको एक ही जगह बैठे रहना है नेटवर्क के लिए। और नेक्स्ट बटन है रीसेट का, तो आप ये मॉडेम, ये राउटर कभी भी रीसेट कर सकते हैं। आपको लगा कि ये सही तरह काम नहीं कर रहा, तो आप एक बार रीसेट कर लेंगे तो काम करना अच्छा शुरू कर देगा। और यहाँ पे LED के लिए LED ऑन ऑफ रखना है, ये इसलिए बटन दे रखा है। और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो राउटर बंद रहेगा, ऑन कर देंगे तो राउटर ऑन रहेगा। जब भी आप एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का प्लान लेते हैं तो आपको लैंडलाइन कभी नहीं साथ में देते, आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। अब इसके फ्रंट में हम देख लेते हैं,
जो भी फीचर्स हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये पावर की एलईडी ऑन रहती है, अगर ये राउटर ऑन है, अगर राउटर आप ऑन करते हैं तो ये पावर बटन ऑन हो जाएगा, पावर लाइट ऑन हो जाएगी अपने आप, इसका मतलब राउटर एक्टिवेट हो चुका है। लिंक का मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं अभी, अगर आपको पता हो तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, मुझे भी एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा लिंक होता किस लिए इसमें। उसके बाद AUTH का मतलब हो गया ऑथेंटिकेशन, पहला स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है, ये वैलिडेट करता है यूज़र्स के नेम और पासवर्ड को। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है ऑथराइजेशन का, और उसके बाद है लैन वन। अगर आप लैन पोर्ट, चार लैन आपको पीछे लैन पोर्ट मैंने आपको दिखाए थे, तो लैन वन में आप वायर कनेक्ट करते हैं लैपटॉप पीसी से, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी यहाँ पे। लैन टू पे करेंगे तो लैन टू की लाइट ऑन हो जाएगी, लैन थ्री पे करेंगे तो लैन थ्री की लाइट ऑन हो जाएगी, और उसके बाद लैन फोर पे करेंगे तो लैन फोर की लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद है WPS, अगर आप WPS एक्टिवेट करते हैं पीछे बटन से तो लाइट ऑन हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद है WLAN 2.4 GHz, WLAN 5 GHz, तो यहाँ पे दोनों में लाइट ऑन या ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब ये है कि दोनों स्पीड यहाँ पे अवेलेबल हैं, 2.4 GHz स्पीड भी आ रही है और 5G स्पीड भी आ रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये राउटर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर 2.4 GHz और 5 GHz में 2.4G और 5G दोनों को सपोर्ट कर रही है। उसके बाद है TEL1 एंड TEL2, तो TEL1 की लाइट तब ऑन होगी जब आप टेलीफोन इसमें लैंडलाइन कनेक्ट करेंगे, तब ये लाइट ऑन होगी, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद है VOIP, तो VOIP का फुल फॉर्म हुआ वॉइस ओवर IP मॉडेम, तो ये ऑप्शन इंटरनेट बेस्ड वॉइस सर्विस को कनेक्ट करता है यूज़र्स टेलीफोन में। उसके बाद है अगर इंटरनेट एक्टिवेट है तो इंटरनेट की लाइट ऑन रहेगी, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। अगर आप USB पीछे कनेक्ट करते हैं, USB पोर्ट में USB लगाते हैं, पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं आप, तब यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी, अदरवाइज़ लाइट बंद रहेगी। तो ये फीचर्स हैं इस नोकिया राउटर में। तो आप भी अगर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन लगवाते हैं तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि नोकिया का ही मिले या ZTE का मिल जाए या फिर ड्रैगन पाथ का मिले, जो भी राउटर्स अवेलेबल होंगे टेक्नीशियन के पास वो वही लगाते हैं। ये थी डिटेल्स एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के सबसे कम प्राइस वाले प्लान के बारे में, और साथ में इस प्लान का स्पीड टेस्ट उसके राउटर रिव्यू के साथ। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।